आज डेट है 11 अक्टूबर, वेडनेसडे। आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ये हमारे रूल्स हैं, हम इन रूल्स को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। ट्रेड की बात करते हैं, हमने क्या ट्रेड एग्जीक्यूट किया आज। ट्रेड से पहले अगर कल की ट्रेड की बात की जाए, हम लोग स्ट्रिक्ट हैं कि हम लोग एक ही ट्रेड पर डे ले सकते हैं, ठीक है। चाहकर भी हम दूसरा ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बट अगर मुझे सेकेंड ट्रेड इस अकाउंट में लेना होता, जो मैं ये वाला सीरीज कर रहा हूँ, तो कहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। कल हमारी, अगर आप एंट्री देखोगे, तो यहाँ कहीं एंट्री थी पहली और यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस था आई गेस, एंड मैंने यहीं कहीं अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लिया था कि मार्केट में डायरेक्शन में नहीं जा रहा। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या बन सकती थी? दूसरी एंट्री थी नॉर्मल सी बात है कि इस स्विंग पे बनती या फिर इस स्विंग पे बनती, क्योंकि यहाँ पर मार्केट नीचे गया है और प्रीवियसली स्विंग ये था, बाकी सारी कैंडल्स 20 SMA से टच है, ठीक है। फाइनली मार्केट ने यहाँ पर प्राइस तोड़ा, तो पहली एंट्री मेरी यहाँ होती, दूसरी पैरामिडिंग मैं यहाँ करता, तीसरी पैरामिडिंग मैं यहाँ करता, चौथी पैरामिडिंग अगर मेरे पास पैसे बच जाते उसके बाद तो मैं यहाँ करता और मैं यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। अगर आप कैंडल बाय कैंडल करते तो कोई भी कैंडल का अभी तक लो नहीं टूटा है। अगर आप स्विंग्स बाय करते तो स्विंग में भी आपको यहीं पर स्विंग मिलता, और अगर आप पॉइंट्स बाय करते तो मैं पॉइंट वाइज इस वाली सिचुएशन में नहीं करता, बिकॉज मार्केट सडन भाग रहा था, समझ रहे हो। मार्केट रॉकेट की तरह जा रहा था, तो रॉकेट रॉकेट की तरह जब जा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, तो मैं कैंडल का लो लूंगा, बिकॉज हर कैंडल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री है, ठीक है। और अगर स्विंग्स वाइज करते आप, अगर आपको स्विंग की तरह ट्रेड लेना होता तो मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। हमारी यहाँ पे कहीं एंट्री होती, मैंने स्विंग आपको सिखाया, मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर कि आप स्विंग्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे प्राइस को रीड कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो स्ट्रेटजी में जाके चेक कर सकते हैं, सैटरडे को ही मैंने डाला है वीडियो। ये लो है, ये हाई बनाया है, ये इनसाइड कैंडल है, ये हाई टूटता गया, हाई टूटा, हाई टूटा, हाई टूटा, यहाँ तक हाई टूटा है, इनसाइड कैंडल, अपोजिट अपोजिट एक्शन लेंगे हम, फिर हाई टूटा है, फिर यहाँ पर इनसाइड कैंडल, लो टूटा, हाई टूटा, लो टूटा, ठीक है। इस ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, अगर हम स्विंग्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे होते, उसके बाद फिर ये हाई टूटा है, फिर ये लो टूटा है, फिर ये हाई टूटा है, फिर ये लो टूटा है, फिर हाई टूटा, इनसाइड कैंडल, हाई टूटा, लो, हाई टूटा, लो टूटा, हाई टूटा, लो टूटा, इनसाइड कैंडल, फिर हाई टूटा, फिर ये लो टूटा, ठीक है। तो इसी तरह ड्रॉ होता, जिसको ड्रॉ करना नहीं आता है, मैंने स्ट्रेटजी में ये वीडियो डाला है, आप देख सकते हो, आपको कहीं और ये नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब मैं कैंडल्स हाइट कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप स्विंग्स के अकॉर्डिंग ट्रेल कर रहे होते तो किस तरह ट्रेलिंग बन सकती थी, ठीक है। लेट्स हाइट द कैंडल। पहली एंट्री मेरी यहाँ कहीं होती, पहली एंट्री मेरी यहाँ कहीं थी, जैसा मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे ही हाइट टूटा है, ठीक है, इसी जगह पे। सेकेंड एंट्री मैं यहाँ लेता, स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल करता, थर्ड एंट्री मैं यहाँ लेता, स्टॉप लॉस को मैं यहाँ ट्रेल करता, हाई नहीं टूटा है तो स्टॉप लॉस यहीं पर मेनटेन रहेगा, हाई नहीं टूटा है स्टॉप लॉस यहीं पे मेंटेन रहेगा, इधर भी हाई नहीं टूटा है स्टॉप लॉस यहीं पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर मार्केट ने फाइनली यहाँ पे ये हाई तोड़ा, देखो ये स्विंग का हाई टूटा, इसका हाई टूटा, इसका हाई टूटा, इसका हाई टूटा है, तो स्टॉप लॉस फिर मेरा यहाँ पे होगा, और मैं यहाँ पे अगर मेरे पास पैसे बचते तो मैं यहाँ पे और क्वान्टिटी एड ऑन कर सकता था, तो यहाँ पे क्वान्टिटी और एड ऑन होती, यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल होता। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाई टूटा है शायद, हाँ दिख जाएगा, अच्छा मैंने कैंडल से हाइट कर तो हाई नहीं दिखा, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हाई टूटा है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते और यहाँ कहीं आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्सेप्ट हो जाता, ठीक है। पहली एंट्री यहाँ पे, दूसरी एंट्री यहाँ पे, तीसरी एंट्री यहाँ पे, फाइनली और पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे, दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे, तीसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे, चौथा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक 291 पॉइंट्स कैप्चर कर लेते। सेकेंड एंट्री में आप यहाँ से यहाँ तक 217 पॉइंट्स कैप्चर करते, एंड जो थर्ड पैरामीडिंग होती उसके अंदर आप यहाँ से यहाँ तक 88 पॉइंट्स कैप्चर करते, और जो फोर्थ पैरामीडिंग होती वो यहाँ से यहाँ तक आप अप्रोक्सीमेटली 45 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे। अब बाकी आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना रिस्क रिवॉर्ड बैठता, नहीं तो अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने स्विंग्स के अकॉर्डिंग भी बता दिया और मैंने कैंडल्स के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि अगर आप कैंडल बाय कैंडल कर रहे होते, अगर आप कैंडल बाय कैंडल करते तो पहली एंट्री इसके हाई पे थी यहाँ पे, तो
तो यहाँ तक आप कमाते 225 पॉइंट्स। सेकेंड एंट्री में यहाँ कहीं लेता उसमें आप कमाते 181 पॉइंट्स। थर्ड एंट्री मेरी यहाँ पे होती तो उसमें आप कमाते 91 पॉइंट्स। और फोर्थ एंट्री में यहाँ पे पैरामीट करता तो यहाँ से यहाँ तक मिल जाते 29 पॉइंट्स। यू कैन से 20 पॉइंट्स। तो इसमें भी आप कैलकुलेट कर लेना कितना पॉइंट्स बनता है कितना नहीं बनता। और इनिशियल स्टॉप लॉस में कहाँ लगाता वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज दिखना है तो पैरामीट करो आपके डायरेक्शन में वापस जा रहा है और पैरामीट करो और पैरामीट करो। एंड मैंने आपको दो चीजें दिखा दी स्विंग्स के अंदर के अकॉर्डिंग भी ट्रेल करके दिखा दिया, कैंडल पाई कैंडल भी करके दिखा दी क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। मैं कुछ भी यूज कर लेता हूँ वो मेरे मूड के ऊपर है। अगर मुझे लग रहा है कि मूवमेंट किस तरह का शार्प मूवमेंट है कैंडल बाय कैंडल, थोड़ा स्लो मूवमेंट आ रहा है शार्प जा रहा है मूवमेंट, सडन तेज जा रहा है मूवमेंट तो कैंडल बाय कैंडल लेता हूँ। अगर मार्केट स्लोली स्लोली जा रहा है धीरे 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 तो मैं स्विंग्स बाय स्विंग्स लेता हूँ ठीक है। और कभी कभार बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट होता है तो मैं पॉइंट्स वाइज भी लेता हूँ कि कितने पॉइंट्स ऊपर जा रहा है मार्केट, तो हर उस पॉइंट के ऊपर मैं ट्रेल करता रहता हूँ पैरामीट करता रहता हूँ। तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड कर सकता है। ट्रेलिंग और पैरामीडिंग एक स्किल है ये भी। सो मैंने दोनों दिखा दिया एंड दोनों में मेरे को लगता है 1:10 से तो ऊपर का ही रिस्क रिवॉर्ड बनता। सो अब बात कर लेते हैं आज के ट्रेड की, आज हमने क्या ट्रेड लिया। आप देखोगे आज के ट्रेड में भी मैं एक बार लाइंस ये पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको इसलिए अंडरस्टैंड हो। वापस बोलूंगा स्ट्रेटेजी में वीडियो रखा है आप ये चीज़ सीख सकते हो वहाँ से कैसे कर रहा हूँ, इससे पहले कि मैं उसको डिलीट कर दूँ वहाँ से। सो मार्केट यहाँ पे लो मारा है ऊपर क्लोज हुआ, नेक्स्ट ने हाई तोड़ा लो टूटा हाई टूटा लो टूटा, इनसाइड कैंडल है हाई टूटा है पहले फिर लो टूटा है ठीक है। सो अब मैं कैंडल्स को हाइड कर दूँ एक बार आपके लिए। सो 200 SMA 20 SMA प्राइस उसके ऊपर है ये ठीक है, ये पूरा प्राइस उसके ऊपर है, ये प्राइस उसके ऊपर है तो क्या कॉल बाय कर सकता हूँ मैं? डेफिनेटली कॉल बाय कर सकता हूँ ठीक है। उसके बाद अब कॉल कहाँ बाय बाय कर सकते हैं, ये एक स्विंग है इसके ऊपर हम कॉल बाय कर सकते हैं ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा मैं, इस वाले स्विंग को तोड़ के मार्केट ऊपर गया है, इस वाले स्विंग को तोड़ के मार्केट ऊपर गया है स्टॉप लॉस में लगाऊंगा यहाँ कहीं पर ठीक है सही है। सो अब कैंडल्स वापस ला देते हैं हम लोग, आपको क्लियर दिख रहा है पूरा किस तरह स्टॉप लॉस क्या है। अब मैं ये डिज़ाइन डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ एंट्री है यहाँ पर स्टॉप लॉस है, सेम कैंडल ने मुझे एंट्री दी एंड सेम कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। 1700 रुपीज़ समथिंग का रिस्क था इसके अंदर, ज़्यादा का रिस्क नहीं था, अराउंड 1700 और 1600 रुपीज़ का रिस्क लिया था मैंने। सो यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लिया तो रिस्क कितना था, लेट्स टेक 1800 रुपीज़ ही रिस्क ले लेते हैं हम 1800 रुपीज़ ठीक है। सो अभी अगर मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, जैसे कि आप लोग करते हो कि बैक टेस्ट किया ओ इतना पैसा कमाया इतना गवाया इतना कमाया महीने के एंड में, अरे इतने पॉइंट्स कमा लिए, क्या कभी आप कमीशन इन्वॉल्व करते हो, ब्रोकेज इन्वॉल्व करते हो, एसटी इन्वॉल्व करते हो, स्लिपेज इन्वॉल्व करते हो? जब भी आप बाय करते हो हाई तो आपको 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा ही ऊपर बाय मिलता है, जब भी आप सेल करते हो आपको 3-4 पॉइंट्स नीचे ही सेलिंग के लिए मिलते हैं, ये कभी चीज़ इन्वॉल्व करते हो? कभी नहीं करते, बस आप सिंपल बैक टेस्ट करते हो कितने पॉइंट्स मिल गए इतने पॉइंट्स मिल गए ये हो गया वो हो गया, प्लस ऑप्शंस में थीटा गामा कुछ भी इन्वॉल्व कर लो, आप कोई भी टेक्निकल टर्म इन्वॉल्व कर लो, समटाइम्स ऑप्शन कैन एक्ट टोटली डिफरेंट टू देयर लाइक स्पॉट प्राइस ठीक है। ये चीज़ होती है, आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि नहीं तेरा थीटा तो इतना था या तेरा तो गामा इतना था या फिर तेरा डेल्टा इतना था, वो सब नहीं चलता बिकॉज एट द एंड इट्स अबाउट बायर्स एंड सेलर कि कितने लोग बाय कर रहे हैं कितने लोग सेल कर रहे हैं। जब फ्री ट्रेड्स होते हैं तो फ्री ट्रेड्स जब 100 रुपये का ऑप्शन सडनली 1000 रुपये जाता है तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो कि तेरा तो थीटा या डेल्टा इतना था ही नहीं, जाता है देना ही पड़ता है पैसा। तो ऑप्शन कैन समटाइम एक्ट डिफरेंटली बिकॉज एट द एंड इट्स अ गेम ऑफ बायर्स एंड सेलर्स नॉट अ गेम ऑफ टेक्निकल टर्म्स। सो मेरा लॉस डिसाइडेड था पर मेरा लॉस उससे ज़्यादा हुआ। सो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा इस ट्रेड में लॉस हुआ है 3658 रुपीज़ का मेरा इस ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है ठीक। तो 3000
3,600 रुपये समथिंग बोल लो, तो 3,600 रुपये का लॉस हुआ है। तो वो लॉस कैसे हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इतना ज़्यादा कैसे हो गया। मेरे को थोड़ा सा ज़रोदा पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों, उसका इंटरफेस मुझे इतना, काश इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर पाता, यहाँ कहीं मेरे को दिखाता कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पीएनएल, और यहाँ कहीं पे एक बटन होता है यहाँ पे सीधे क्लिक करो एंड सारी पोजिशन एग्जिट एग्जिट हो जाती है, कितना बेटर होता। सोचो ना, यहाँ एक आपको दिख रहा है कितना नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे एक जगह दिख रहा है आपको कि सीधे एग्जिट ऑल, तो कितना बेस्ट होता, तो थोड़ा आइडेंटिफाई होता है। प्लस इनका बाइंग सेल का डब्बा, ये डब्बा बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। दे शुड लर्न समथिंग फ्रॉम फायर्स, फायर्स का इंटरफेस बहुत अच्छा है, मैंने दूसरा ब्रोकरेज यूज़ नहीं किया है, धनवन का भी सुना हूँ अच्छा है, बट फायर्स का इंटरफेस सही में बहुत अच्छा है, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ये इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सो हम लोग बात करते हैं हमारे ट्रेड की, कहाँ हम भटक रहे हैं अपने टॉपिक से। सो इस वाली स्ट्राइक के अंदर बाइक आ गया, ठीक है, एंड इसमें भी मैं 5 मिनट्स ओपन कर लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो बाई इसके हाई पे स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया, पर एज यू कैन सी कि 1 मिनट में कितनी बड़ी कैंडल बनी है, समझ रहे हो, 1 मिनट में कितनी बड़ी कैंडल बनी है, तो स्टॉप लॉस से नीचे एक्सेप्ट हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, इस वाली कैंडल के लो पे ही क्लोज हुई है, देख रहे हो, पर यहाँ पे ये इससे कितना नीचे गया है प्राइस, और हम इन द मनी थे आई गेस, कितना इन द मनी थे हम, आई गेस मैंने डेल्टा ले रखा था 0.85 करीबन, शायद मैंने डेल्टा या 0.8 डेल्टा ले रखा था, तो इतना नीचे नहीं आना चाहिए था, बट वो ये कि एट द एंड इट्स अ गेम ऑफ बायर सेलर्स, ज़्यादा सेलिंग हुई तो प्राइस ज़्यादा नीचे सडनली आया। इवन अगर आप 1 मिनट में देखोगे, मैं इसको 1 मिनट में भी दिखाता हूँ, तो आपको दिख जाएगा कि एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला, आपको दिख रहा है एक ही कैंडल इतनी नीचे थी, आपको दिख रहा है कि यहाँ कहीं एग्जिट माना था और एक ही कैंडल यहाँ पर इतने नीचे ही, तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 30-40 पॉइंट्स इसके अंदर मेरे एक्स्ट्रा चले गए ट्रेड के अंदर, मतलब जितना रिस्क था उसका डबल ही रिस्क हो गया आज मेरा, उसका डबल पैसा चला गया इस ट्रेड के अंदर, क्योंकि मेरे को स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना था यहाँ कहीं पर, और मैंने एक्सेप्ट किया यहाँ कहीं पर, तो 34-40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा चले गए, जितना रिस्क था मेरा इनिशियल उससे थोड़ा सा पैसा, बल्कि उससे डबल से ज़्यादा चला गया पैसा सिंगल ट्रेड के अंदर। तो इसलिए मेरा लॉस हुआ 3,658 का, देन मैंने अपना रूल तोड़ा, मैंने मिस्टेक की ये चीज़, मेरे को अपना रूल नहीं तोड़ना चाहिए था, जब डिसाइडेड है 1 ट्रेड पर डे, तो आई शुड नॉट टेक लाइक, आई शुड नॉट हैव टुक द ट्रेड लाइक सेकेंड ट्रेड, बिकॉज एक ट्रेड डे इज़ अ 1 ट्रेड पर डे इज़ अ 1 ट्रेड डे, अगर मेरा नेक्स्ट ट्रेड भी नेगेटिव हो जाता तो फिर कितना इश्यू होता, अगर मेरा नेक्स्ट ट्रेड भी नेगेटिव हो जाता तो 3 इधर जाते, 1,500 या 2,000 रुपये यहाँ चले जाते फॉर एग्जाम्पल, एंड देन यहाँ पे वो 5-6-7-8 हज़ार या 10,000 रुपये का नेट 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 नेगेटिव दिखा होता, तो सेकंड ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, पर मैंने रूल्स ब्रेक किया, मेरी मिस्टेक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा मैं, नेक्स्ट टाइम 1 ट्रेड पर डे, तो 1 ट्रेड पर डे वो थोड़ा सा मैं इमोशंस में आ गया क्योंकि लॉस ज़्यादा हो गया, डिसाइडेड लॉस 16-17 सौ रुपये, इतना लॉस होता तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा लगता ही है, और तो उस ट्रेड को क्यों लिया मैंने उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, बट एक जुदा को थोड़ा सा इंटरफेस चेंज करना चाहिए सही में, ये अभी भी 2015 में या 16 में जो इनका इंटरफेस था उसी में फंसे हुए हैं आज तक, कि कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, दे शुड लर्न समथिंग फ्रॉम आईसीसीआई डेक, भी इवन इवॉल्व हो गया, आईसीआई डेक का कितना अच्छा था, एक बार में पूरी क्वांटिटीज एक्सिट होती थी, एक बार में ऐड होती थी, एक बार में पैरामिड होती थी। सो सेकेंड एंट्री क्यों ली मैंने उसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो सो 15 मिनट्स में ये फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट की, इसने हाई तोड़ा यहाँ पे, इसने हाई तोड़ा यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट सस्टेन नहीं किया, मार्केट वापस नीचे आने लगा, ठीक है, सो अगर नीचे जा रहा है मार्केट तो मार्केट ऐसे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है, मार्केट एक दिन में 2 मूवमेंट्स भी दिखा सकता है, मार्केट एक दिन में 3 मूवमेंट्स भी दिखा सकता है, पर मैक्स टू मैक्स 3 ही जाता है ज़्यादातर, ठीक है। सो मार्केट ने जब ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आने लगा, तो मैंने पुट बाय किया, मैंने पुट बाय शायद यहीं कहीं पर पुट बाय किया, एंड मैं कहाँ एग्जिट मारना चाह रहा था,
मैंने कहा मार्केट मिनिमम यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, मिनिमम मार्केट यहाँ तक आएगा एंड मैं यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। और यू कैन से मिनिमम मार्केट अपने 20 SMA को टच करने आएगा 15 मिनट में, मैं वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और यू कैन से कि मार्केट मिनिमम अपना CPR टच करने तो आएगा ही आएगा, CPR आई गेस यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। पर मुझे CPR में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बस उसमें इंटरेस्ट था कि मेरा लॉस कैसी भी 2000 से कम हो जाए, मेरा जो डिसाइडेड है मेरा उतना ही होना चाहिए, तो अप्रोक्स उधर तक आ जाए, तो मेरा वही डिसाइडेड था। सो मैंने एंट्री ली स्ट्रेट के अंदर, आप देखोगे तो 10 AM पे एंट्री लिए 317.95 के रेट पे 45 क्वांटिटीज। नेक्स्ट वीक का मैंने लिया है एक्सपायरी, बिकॉज स्लो मूवमेंट भी हो सकता था और फास्ट मूवमेंट भी हो सकता था, मतलब सडन मार्केट नीचे गिर सकता था। अगर स्लो हो जाता मूवमेंट, अगर मार्केट धीरे धीरे जाता तो मैं प्रीमियम डेके में फंस जाता, अगर मार्केट धीरे धीरे जाता तो मैं प्रीमियम डेके में फंस जाता, इसलिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ली गई। उसका शायद डेल्टा 0.5 था, 0.5 डेल्टा वाला मैंने लिया स्ट्राइक प्राइस, 317 पे बाई किया एंड 10:55 पे जैसे ही इसने अपना ये एरिया टच किया, मैंने यहीं कहीं अपना फटाक से प्रॉफिट बुक किया एंड प्रॉफिट एग्जिट मारा 359 पे। ये लिमिट ऑर्डर था, यहाँ पे दिखाता नहीं है क्या कौन सा लिमिट ऑर्डर है, क्या है क्या नहीं है, ये लिमिट ऑर्डर डाल रखा था मैंने, शायद यहाँ पे दिखाता हो। हाँ ऑर्डर टाइप लिमिट है, और आप ये वाले ऑर्डर्स देखोगे तो ये ऑर्डर मेरे नॉर्मल है, और जो आप मेरी ये वाली एंट्री देखोगे तो इसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे बच सकते हो फीक ट्रेड से, तो आप देखोगे 361.22 प्राइस मिला है, पर मैंने लिमिट ऑर्डर डाला था 370 का, 370 का लिमिट ऑर्डर डाला था, प्राइस 361 पे पंच आउट हुआ, पर किसी भी हाल में 370 के ऊपर पंच नहीं होता, तो आप ऐसे अपने इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड दिस इज लाइक नॉर्मल, मैंने सीधे मार्केट ऑर्डर में एक्सिट किया बिकॉज सडन कैंडल भागी तो इतना टाइम ही नहीं मिला मेरे को, जस्ट लाइक अंडरस्टैंड कि मैं बाय कर रहा हूँ 45 क्वांटिटी, मैंने 45 क्वांटिटीज बाई की है, देन उसके बाद मेरी पैरामिडिंग के रेंज में आ रहा है प्राइस, तो मेरे को 45 क्वांटिटी और ऐड करनी है तो मैं और ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। वेट कर रहा हूँ क्लिक करने का, ऐसी मार्केट क्लॉस करेगा मैं फटाक से क्रिएट करूंगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट इन द एग्जीक्यूशन। सो सडनली मार्केट नीचे आ रहा है, मैं सडन, अब मैंने यहाँ पे प्राइस भी डाल रखा था उस टाइम पे, शायद 370 या 380 प्राइस या 210 समथिंग प्राइस डाल रखा था। अब सडनली मार्केट नीचे आ रहा है, अब सडनली प्राइस चेंज करो, ये भी चेंज करो, कैसे होता, तो मैंने फटाक से ये चेंज किया, जो भी मार्केट था क्लिक किया एंड फटाक से एग्जिट मारा, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि शायद डायरेक्ट एक एग्जिट का होता तो एक बेनिफिट रहती वो चीज़, बिकॉज दो चीज़ें चेंज करनी पड़ी, मैं लिमिट प्राइस भी डाल पाया उसके अंदर। सो ये डायरेक्ट लिमिट डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट मारा है मैंने, आप देख सकते हो, अगर गलती से मार्केट फ्री ट्रेड होता कुछ होता तो और नीचे जा सकता था, और अगर मैं लिमिट प्राइस में एग्जीक्यूट कर पाता तो शायद मैं थोड़ा सा और लॉस को मिनिमाइज कर पाता। सो दिस व्हाट इट, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है आई नो, बट कुछ कुछ चीज़ें शेयर करना जरूरी थी, तो ये कल का भी ट्रेड मैंने शेयर किया इसलिए लंबा हो गया। सो दिस व्हाट इट, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कोई भी नॉलेज मिल रही है प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। प्राइस एक्शन समझ में नहीं आया जो मैंने लाइन्स ड्रॉ करके दिखाई है अभी, तो मेरी स्ट्रेटजी वाले उसमें जाओ, क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में जाओ, आपको लास्ट वीडियो सुनना वही दिखेगा, प्राइस एक्शन प्लस कनेक्टिंग द डॉट के नाम से मैंने डाल रखा है उसको, उसको मैं रेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो उसको आप देख सकते हो, थैंक यू।